नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा और निषाद पार्टी में सहमति भी बन गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद लगातार जो है वो डेरा डाले हुए थे और भाजपा के शीर्ष नेताओं की बैठक में इस बात की जो है वो सहमति भी बन गई है कि निषाद पार्टी मझवा और साथ ही साथ कटहरी की सीट पर जो है अपने उम्मीदवार को नहीं उतारेगी। वहीं सीट बंटवारे का मामला जो है हल होने के बाद भाजपा के उम्मीदवारों की सूची भी जारी हो गई है, क्योंकि उनके सूची जारी करने का रास्ता साफ हो गया था, जिसके बाद भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की 8 उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी ने उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी की थी, जिसमें प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने मना कर दिया था साफ तौर पर, जिसके बाद संजय निषाद जो है भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के लिए रविवार को जो है वो दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली में 3 दिनों तक संजय निषाद जो है लगातार डेरा डाले हुए थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की और उन्होंने 2 सीटों पर जो है निषाद पार्टी के उम्मीदवार लड़ाने की बात उनसे डिस्कस की, जिसके बाद जो है इसमें सहमति नहीं बनी और साथ ही ये सुझाव भी दिया था कि भाजपा चाहे तो दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सकती है, लेकिन चुनाव चिन्ह जो है वो निषाद पार्टी का होगा। ये संजय निषाद की मांग थी। दरअसल संजय निषाद ने बताया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि इस बात पर सहमति बन गई कि निषाद पार्टी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार तो नहीं उतारेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो निषाद पार्टी के सिंबल पर उम्मीदवार को उतारेगी। उन्होंने मांग की थी कि भाजपा नेताओं के सामने उन्होंने अपनी इस मांग को रखी थी कि निषाद जाति को आरक्षण का लाभ देने के लिए SC जाति में शामिल किया जाए, और साथ ही साथ भाजपा ने भरोसा भी दिया है इस पूरे मामले में संजय निषाद की मांग को लेकर कि दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी निषाद जाति को SC जाति में शामिल किया जाएगा। दीपावली के बाद बैठक हो रही है और बैठक में इस मुद्दे का भी हल भी निकाला जाएगा, ऐसी बात भी कही गई है। निषाद के अध्यक्ष ने कहा कि उपचुनाव में निषाद पार्टी गठबंधन धर्म को निभाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या आखिर जिस तरीके से ये घमासान चल रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन को ले लीजिए या फिर NDA गठबंधन को ले लीजिए, तो इसमें क्या गठबंधन धर्म को निभाया जाएगा। तो संजय निषाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला जो सामने आया है उसमें संजय निषाद गठबंधन धर्म को निभाएंगे, निषाद पार्टी गठबंधन धर्म को निभाएगी और भाजपा 9 से 1 सीट रालोद को भी दे सकती है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि 8 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने खुद उम्मीदवार खड़े कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि संजय निषाद के अड़ने की वजह से भाजपा के उम्मीदवारों की जो सूची थी वो जारी नहीं हो पा रही थी। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का जो नामांकन है वो 25 अक्टूबर को उसकी अंतिम तारीख है, और इसलिए भाजपा ने सीट शेयरिंग को लेकर ये फंसे हुए पेज जो था इसका घमासान खत्म होने के बाद आज उम्मीदवारों की सूची को जारी किया है। तो ये जो तमाम अटकलें देखने को मिल रही थी, जो तमाम घमासान NDA गठबंधन में देखने को मिल रहा था, वो अब दूर हो चुका है। और जिस तरीके से संजय निषाद अपने 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए थे, वो 2 सीटों की मांग भी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि संजय निषाद ने JP नड्डा से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो है ये तमाम जो अटकलें थी NDA गठबंधन में उसको ख़त्म होते हुए देखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि संजय निषाद जो है निषाद पार्टी के निषाद जाति के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, और ये बैठक जो है दीपावली के बाद होगी। तो दीपावली के बाद एक बड़ी बैठक देखने को मिलेगी जिसमें जो है तमाम बड़े नेता शामिल होंगे, कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या जो निषाद जाति के लोग हैं उनको जो है SC जाति का आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, तारीखें ऐलान हो चुकी और सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी आखिर अपने प्रत्याशियों की सूची कब जारी करेगी, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है प्रत्याशी ही नहीं है, तो वो चुनावी मैदान में कैसे खड़े होंगे। तो इन सारे जो है सवालों पर अब विराम लग चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सीसामऊ सीट अभी शेष बची हुई है, वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। बहरहाल अभी तो देखने वाली बात होगी कि आखिर सीसामऊ सीट जो बेहद हॉट सीट मानी जा रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में किसे खड़ा करती है, और इस बार का चुनाव
उपचुनाव जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे इस चैनल को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारे ये आप खबर जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे द टीवी 24 नेटवर्क के साथ।